हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम फॉर्म एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू शो कर रहा है जिसमें आपका लॉगिन, यूज़र नेम, पासवर्ड और एक सबमिट और यहाँ पे आपको उसके टेक्स्ट बॉक्स शो कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं लॉगिन फॉर्म को कैसे क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर पहले से ये टैग लगा रखा है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे हमने नोट दिया है, एक कमेंट दिया है जिसमें HTML फॉर्म, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है HTML फॉर्म आर वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन आ यूज़र एंड आ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस। HTML फॉर्म यूज़र और वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के बीच कम्युनिकेशन के मुख्य भागों में से एक है। फॉर्म सर्व द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोविडेड बाय द यूज़र विच इज लेटर सेंट टू द सर्वर। HTML फॉर्म यूज़र द्वारा प्रदान की गई जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से कार्य करता है जिसे बाद में सर्वर को भेजा जाता है। यानी जो फॉर्म्स होते हैं वो वेबसाइट या वेब पेज एप्लीकेशन के बीच कम्युनिकेशन भागों के में से एक मुख्य भाग होता है और इसका जो यूज़ होता है जैसे फॉर्म HTML फॉर्म या फॉर्म भरने के लिए जो फॉर्मेट होते हैं उन्हें डिज़ाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पे पहले से एक टैग लगा रखा है जिसमें हमने इस तरीके से एक नोट दिया। हमने यहाँ पे फॉर्म टैग को ओपन किया क्योंकि हम फॉर्म का एलिमेंट पढ़ रहे हैं। फॉर्म यहाँ पे ओपन किया, फील्ड सेट, यहाँ पे फील्ड सेट को ओपन करेंगे। जैसे आपने वहाँ पे हेड टैग, बॉडी टैग, बाकी के टैग्स में आपने मेन टैग जो पढ़ा था उसमें HTML हेड, तो जो काम आपका वहाँ पे ये सारे टैग्स करते हैं वो आपका ये करता है। फील्ड सेट के अंदर ही आप इन सारे टैग्स को लगाएंगे। हमने यहाँ पे फील्ड सेट को ओपन किया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे आके लेजेंड के अंदर वो हेडिंग लिखेंगे जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स के सामने रहेगा। इस तरीके से लेजेंड को ओपन किया और लेजेंड में हमने लिखा लॉग इन। इस तरीके से लेजेंड को यहाँ पे कर दिया क्लोज। फिर हमने लेबल, क्योंकि ये हमारी लेजेंड्स में आ रही है, फिर हमने लेबल लिया। लेबल में हमने लिया यूज़र नेम, इस तरीके से यूज़र नेम। इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट यानी इसके सामने हम टेक्स्ट को लिखेंगे और हम चाहते हैं इसके आगे टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाए। फिर क्योंकि हमारा टाइटल में रहेगा, टाइटल के नीचे जो रहता है उसमें शो करेगा ये, और ये हमारे लेबल्स हैं। ये आपने लिखा लॉगिन लेजेंड्स में, आप इसका प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। लेबल हम इस हेडिंग के लिए लगाते हैं जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स के सामने शो करेगा। लेबल को हमने ओपन किया, उसमें हमने यूज़र नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डबल इनवर्टेड कॉमा और टेक्स्ट, डबल कोट्स के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा। लेबल टैग को क्लोज कर दिया है। अब ये हमने लिया लेबल में यूज़र नेम, यानी यूज़र नेम रहे और उसके आगे क्या बन गया है, टेक्स्ट बॉक्स। वी आर टैग को ओपन किया, अब इसका प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यूज़र नेम हो गया और यहाँ पे उनका नेम रहेगा, जिसका यूज़र का भी जो भी नेम है। फिर से हमने लेबल टैग को ओपन किया और लेबल में हमने ले लिया पासवर्ड, कुछ इस तरीके से पासवर्ड। और इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में हमने लिखा पासवर्ड, इस तरीके से पासवर्ड के लिए है। यहाँ पे टेक्स्ट है क्योंकि हम नेम जो लिखेंगे वो टेक्स्ट में रहेंगे। पासवर्ड हमारे टेक्स्ट में भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा पासवर्ड। लेबल टैग क्लोज किया, BR को ओपन किया। फिर हमने लास्ट में एक बटन बनाया सबमिट। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में सबमिट वैल्यू
इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में सबमिट, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में फील्ड सेट को ओपन किया था, तो फील्ड सेट को यहाँ पे क्लोज भी करना होता है। फॉर्म टैग को ओपन किया, फॉर्म टैग को क्लोज करेंगे। आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं इस तरीके से। ये आपका यूज़र नेम पासवर्ड सबमिट, यहाँ पे आपको यूज़र नेम देना होगा, जो भी यूज़र नेम है आपका, और यहाँ पे आपको पासवर्ड, पासवर्ड आपके न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और अल्फाबेट, इस तरीके से आप इसको सबमिट कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, इस तरीके से आप इन टैग्स को लगाएंगे। फॉर्म ओपन करके फील्ड सेट को ओपन करेंगे, लेजेंड में जो भी आप हेडिंग लेना चाहते हैं, लॉगिन फॉर्म हो गया या एडमिशन फॉर्म्स हो गए, जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो आप लेजेंड्स में लिखेंगे, जो आपका यहाँ पे शो करेगा। और जो आप फील्ड में लिखेंगे, लेबल में लिखेंगे, वो आपके यहाँ पे लेफ्ट एरिया में ये शो करेंगे, और ये आपका सबमिट। तो इस तरीके से हम लॉगिन फॉर्म का यूज़ करके इन लॉगिन फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम फॉर्म एलिमेंट में इनपुट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस तरीके से अगर हम दिखाना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके, जिसमें फर्स्ट नेम मेंशन करना है हमें, लास्ट नेम मेंशन करना है, तो आइए हम देखते हैं इन टैग्स को कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक कमेंट लिखा जिसमें द HTML इनपुट एलिमेंट इज़ यूज्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव कंट्रोल्स फॉर वेब बेस्ड फ्रॉम इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूज़र। उपयोगकर्ता से डेटा स्वीकार करने के लिए वेब आधारित फॉर्मों हेतु इंटरैक्टिव कंट्रोल बनाने के लिए HTML इनपुट एलिमेंट का उपयोग करता है। अ वाइड वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ इनपुट डेटा एंड कंट्रोल्स विजेट आर अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस एंड यूज़र एजेंट्स। यहाँ डिवाइस और उपयोगकर्ता एजेंट के आधार पर विभिन्न प्रकार के इनपुट डेटा और कंट्रोल विजेट उपलब्ध हैं। इस तरीके से हमने एक डेफिनेशन दिया। फिर हमने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट बॉक्स एग्जांपल, जो आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखेंगे कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। अब अगर आप चाहते हैं इस हेडिंग को आप अलाइनमेंट सेंटर करना चाहते हैं, या आप इसको हेडिंग स्टाइल 1 में चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं इसकी अलाइनमेंट जो रहे वो सेंटर, तो जस्ट इसके आगे और पीछे आपको सेंटर टैग को ओपन और क्लोज करना है। सेव करेंगे, पेज पे आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा। अब अगर आप नहीं चाहते हैं इसको सेंटर पे रखना, तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे आके सेव करें, रिफ्रेश करेंगे, वो फिर से उसी तरीके से शो करेगा। फिर हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा, यानी हम चाहते हैं जब हमारा फॉर्म डिज़ाइन हो तो फर्स्ट नेम में इस तरीके से, या टेक्स्ट बॉक्स जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें फर्स्ट नेम हमने लिख दिया। फर्स्ट नेम के बाद BR टैग को ओपन किया, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में हमने लिखा टेक्स्ट नेम। ये आप इसलिए लिखते हैं जब आप ये टेक्स्ट बॉक्स आपका ये क्रिएट होके आए तो यहाँ पे आप क्या लिखें, ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के लिए लगाया जाता है। और इनपुट टाइप टेक्स्ट जब आप लिख रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे आप, तो हमने यहाँ पे ले लिया फर्स्ट नेम, यानी जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है इसमें हमारा फर्स्ट नेम रहेगा। इस तरीके से BR टैग को ओपन किया, फिर ये हमने फर्स्ट नेम ले लिया और यहाँ पे हमने लास्ट नेम को लिया। BR टैग ओपन,
फिर यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में टेक्स्ट नेम, ये हमने लिया इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए, जिसमें आप क्या लिखेंगे, लास्ट नेम। तो हमने यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में टेक्स्ट नेम, हमने उसमें लिया लास्ट नेम, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। फॉर्म टैग ओपन किया था, फॉर्म टैग को यहाँ पे क्लोज करेंगे। आप इसको सेव करें और पेज पे आके रिफ्रेश करें, इस तरीके से शो करेगा। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट नेम हमने दिया विवेक अरुण। अब अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं। लास्ट नेम अगर आप बदलना चाहें तो आप यहाँ पे लास्ट नेम बदल सकते हैं, वो इस तरीके से शो करेगा। तो इस तरीके से अगर आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके एग्जांपल दिखाना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना बनाना, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एग्जांपल का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे इनपुट टाइप एलिमेंट या फॉर्म एलिमेंट समझ में आ गया। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम फॉर्म एलिमेंट में इनपुट टाइप्स, पासवर्ड, टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं इनपुट टाइप, पासवर्ड, टैग को कैसे क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले से इस टैग को क्रिएट कर रखा है, जिसमें हमने एक कमेंट लिखा है, द इनपुट टाइप टैग विथ अ टाइप पासवर्ड एट्रीब्यूट क्रिएट अ टेक्स्ट फील्ड वेयर यूजर्स कैन सिक्योरली एंटर अ पासवर्ड। यानी इनपुट टैग एक प्रकार पासवर्ड विशेषता के साथ एक टेक्स्ट फील्ड बनाता है, जहां उपयोगकर्ता सुरक्षा पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं। एज कैरेक्टर्स आर एंटर्ड फॉर्म, जैसे ही शब्द या वर्ड दर्ज किए जाते हैं फॉर्म में। यानी इनपुट टाइप टैग वो टैग होते हैं जिन पे यूज़र अपने सिक्योर पासवर्ड को बहुत ही सुरक्षा के साथ उसमें डाल सकते हैं। तो इस टैग को हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमने ये लगा रखा है, जिसमें यूज़र नेम, हमने यूज़र नेम लिया, यूज़र नेम बीआर टैग ओपन किया। आप ये जो यूज़र नेम लिखेंगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे इस तरीके से शो करता है। आपने बीआर टैग इसलिए लगाया, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स बन के आ रहा है इसके लिए बीआर टैग हमने लगाया। फिर हमने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ओपन इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में टेक्स्ट नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट्स यूज़र नेम और br। इतना करने के बाद आपने जो टैग लगाए हैं उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे शो करता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज़र नेम लिया, जो हमारा उस तरीके से शो कर रहा है, और यहाँ पे आप जो लिखेंगे वो होगा आपका यूज़र नेम, जो भी आपका नेम है आप यहाँ पे वो डालेंगे। नेक्स्ट हमने यूज़र पासवर्ड को लिया, बीआर टैग को ओपन किया, यूज़र पासवर्ड लेंगे तो उसका प्रीव्यू यहाँ पे हमें इस तरीके से शो करेगा यूज़र पासवर्ड में। यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में पासवर्ड नेम, यहाँ पे हमने लिखा PSW, यानी पासवर्ड जो हो सकते हैं वो हमारे न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। सो इसीलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं, ना ही हम नंबर लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड। तो जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आप वहाँ पे एंटर करेंगे, आपका फॉर्म उसमें एक्सेप्ट होगा जब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वैलिड डालेंगे। तो उसका प्रीव्यू आप यहां पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से शो कर रहा है यूजर नेम।
यूज़र पासवर्ड, जो भी नेम है आपका यूज़र नेम वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया jeniethcomputer@gmail.com और यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। वो इस तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से फॉर्म एलिमेंट में हम इनपुट टाइप पासवर्ड का यूज़ करके इस तरीके का फॉर्म या इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड को डालकर अपने पासवर्ड को लॉगिन या शो कर सकते हैं। सो आई होप आपको इनपुट टाइप पासवर्ड एलिमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे के टैग्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम फॉर्म एलिमेंट में इनपुट टाइप रेडियो बटन टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल शो कर रहा है रेडियो बटन, द इनपुट टाइप्स इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में रेडियो बटन डिफाइंस आ रेडियो बटन, जहाँ पे आपको फर्स्ट सेकेंड हेडिंग यहाँ पे सबमिट का एक बटन शो कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा जब भी आप कोई फॉर्म क्रिएट या भी कोई भी फॉर्म आप सबमिट करते हैं तो कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपके लिए ऑप्शनल होते हैं। जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं तो आपको वहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, आप टिक करते हैं इस तरीके से, या फिर आपकी फ़ीस या कोई ड्यूरेशन किसी भी इस तरीके से, यानी कि रेडियो बटन उन ऑप्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो कई विकल्पों में यानी कई सारे एग्जांपल में कोई एक सिंगल वैल्यू आपको सिलेक्ट करना होता है, उसके लिए आप यहाँ पे रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं टैग्स को कैसे हम लगाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन किया हुआ है। बॉडी टैग को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे एक कमेंट दिया, जो कमेंट शो कर रहा है यहाँ पे, द इनपुट टाइप रेडियो डिफाइंस आ रेडियो बटन, यानी इनपुट प्रकार रेडियो पर एक बटन को परिभाषित करता है। रेडियो बटन्स आर नॉर्मली प्रेजेंटेड इन रेडियो ग्रुप्स, यहाँ पे अ कलेक्शन ऑफ रेडियो बटन्स डिस्क्राइबिंग अ सेट ऑफ रिलेटेड, यानी रेडियो बटन आमतौर पर रेडियो समूहों में प्रस्तुत किए जाते हैं। रेडियो बटनों का एक संग्रह संबंधित का एक सेट का वर्णन करता है, यानी रेडियो बटन जो होता है वो कई सारे समूहों में को परिभाषित या डिफाइन करने का काम करता है। यहाँ पे हमने हेडिंग टू में एक हेडिंग देखा हुआ है रेडियो बटन, आप हेडिंग को चेंज करना चाहें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। अगर आप चाहें इसको हेडिंग वन में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे आके हेडिंग वन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेव करिए और पेज पे आके रिफ्रेश कर दीजिए, वो इस तरीके से शो करेगा। आपकी सभी हेडिंग्स में ये इफ़ेक्ट पड़ेगा इस तरीके से। फिर हमने पी टैग को ओपन किया और यहाँ पे भी हमने एक हेडिंग लिया जो आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है इस तरीके से। पी टैग को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग को भी ले रखा है, इनपुट टाइप रेडियो स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज, यानी हम चाहते हैं ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये हमें बोल्ड होकर शो करें इनपुट टाइप रेडियो जो है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम इसको हटा देते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को, सेव करेंगे और पेज पे आके इसको रिफ्रेश कर देंगे तो इससे भी आपके वर्ड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। हमने इस तरीके से लिख दिया, द इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में रेडियो डिफाइंस अ रेडियो बटन, यानी इनपुट टाइप जो बटन्स होते हैं वो रेडियो बटन को डिफाइन करने का काम करते हैं। पी टैग को यहाँ पे क्लोज किया, इतना जब आप यहाँ पे लिखेंगे
उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे शो करेगा, उसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। जैसे कि आपको बताया कि कई सारे जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप उसको उसमें देखते हैं कुछ चीज़ें आपको ऑप्शनल में मिलती हैं, लाइक कास्ट, एज, कोर्स, सब्जेक्ट। तो आपको उस पर क्या करना होता है, टिक करना होता है जो भी आपका उसमें से होता है। तो हमने यहाँ पे एक इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है, इनपुट टाइप रेडियो नेम, जैसे आपने इससे पहले के कोड में, इससे पहले के टैग में आपने पढ़ा था टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या यूज़र नेम पासवर्ड, वैसे ही इसमें हमने ले रखा है। तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में रेडियो नेम, ग्रेड वैल्यू लिया हमने फर्स्ट चेक्ड फर्स्ट BR। आप इस तरीके से देख रहे हैं जब आप यहाँ पे लिखेंगे, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ इस तरीके से, जो भी आपका ऑप्शन है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया डिवीज़न में, तो स्टूडेंट आप किस डिवीज़न में रहे हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, या बच्चा फेल रहा है, इसमें आप टिक कर सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे इस तरीके से हमने ले रखा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो नेम, ग्रेड वैल्यू फर्स्ट चेक्ड यहाँ पे लिया हमने और फर्स्ट BR को ओपन किया। इतना जब आप लिखेंगे तो उसका रिजल्ट आपको ये इतना शो करेगा, उसके आगे ये रेडियो बटन बन के आएगा। ऐसे ही हमने सेकेंड हेडिंग लिया इनपुट टाइप रेडियो नेम ग्रेड वैल्यू में सेकेंड और चेक सेकेंड BR, इस तरीके से हमने लिया। इतना करने के बाद यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो वो इस तरीके से शो करेगा और उसके आगे आपको रेडियो बटन शो करेगा। फिर से हमने इनपुट टाइप रेडियो नेम ग्रेड वैल्यू थर्ड चेक थर्ड में लिखा हमने, BR को ओपन किया, यहाँ पे उसका रिजल्ट इस तरीके से शो करेगा। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो नेम ग्रेड वैल्यू फेल चेक फेल, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे जो भी आपने वहाँ पे लिखा वो ऑप्शन आपके यहाँ पे आ रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब जो भी ऑप्शन आप टिक करना चाहते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसको टिक करके आपको सबमिट पे क्लिक करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट पे टिक किया सबमिट इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से रेडियो बटन आता है, जो भी ऑप्शन आपका ट्रुथ होता है, जो भी आपका सही होता है, आप उस पर टिक करते हैं और सबमिट कर देते हैं, आपके फॉर्म में वो इंक्लूड हो जाता है। ऐसे ही इतना करने के बाद आपको इनपुट टाइप लास्ट में, जैसे ही आपका सबमिट बटन आ रहा है, इसके लिए हमने ये बनाया, एक बटन बनाया कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू में डबल कोड में हमने लिखा सबमिट और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फॉर्म टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग को क्लोज किया, HTML टैग को भी हमने क्लोज कर दिया है। उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है इस तरीके से। अब अगर आप चाहें ये हेडिंग्स को आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ और भी हम ऐड करना चाहते हैं, सेव कर देते हैं, यहाँ पे हमने फर्स्ट या फिर सब्जेक्ट्स भी आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया हिंदी, यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट चूज करना चाहें। इतना करने के बाद आप यहाँ पे इसको सेव करेंगे और पेज पे आके आप इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से हेडिंग्स शो कर रही हैं। अब अगर हम यहाँ पे हेडिंग ऐड कर दें, लाइक इस तरीके से हमने ये हेडिंग दिया था डिफाइन करने के लिए, अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें, यहाँ पे BR को पहले से आपने ओपन कर रखा है, हमने इनपुट टाइप रेडियो बटन डिफाइंस यहाँ पे आप इसमें चेंज कर दे,
हमने यहाँ पे ले लिया जूस, सब्जेक्ट सेव करेंगे आप यहाँ पे आके और पेज पे आके रिफ्रेश कर देंगे तो आप देखेंगे वो इस तरीके से शो करेगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे और यहाँ से आप इसको सबमिट कर देते हैं, या जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप उसको देखेंगे, टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से रेडियो बटन का यूज़ हम करते हैं। जब आपको कई सारे विकल्पों में, कई सारे एग्जाम्पल में कोई एक सिंगल वैल्यू को चूज़ करना होता है, तब आप रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसका प्रीव्यू आपको शो होगा। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम फॉर्म एलिमेंट में चेकबॉक्स एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने रेडियो बटन टैग के बारे में पढ़ा, जिसमें आप कई सारे विकल्पों में किसी एक ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। यानी रेडियो बटन में क्या होता है, उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दे रखे होते हैं, जिसमें आपको कोई एक ऑप्शन को टिक करना होता है। लेकिन जो चेकबॉक्स होता है उसमें आप मल्टीपल वैल्यूज़ को सेलेक्ट या डिसेलेक्ट कर सकते हैं, यानी इसमें आप एक साथ कई सारी वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आइए हम देखते हैं चेकबॉक्स एलिमेंट या इसके टैग को हम कैसे लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे पहले से ये टैग लगा रखे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे डॉक टाइप HTML ओपन किया, HTML टैग ओपन किया, बॉडी टैग ओपन। यहाँ पे हमने एक कमेंट दे रखा है इस तरीके से, द इनपुट टाइप चेकबॉक्स डिफाइन अ चेकबॉक्स। इनपुट टाइप चेकबॉक्स एक चेकबॉक्स को परिभाषित करता है। द चेकबॉक्स इज शोन एज अ स्क्वायर बॉक्स दैट इज टिक चेक्ड व्हेन एक्टिवेटेड। चेकबॉक्स को एक स्क्वायर बॉक्स के रूप में दिखाया गया है जो सक्रिय होने पर चेक किया जाता है। चेकबॉक्सेस आर यूज्ड टू लेट अ यूजर। चेकबॉक्स का उपयोग उपयोगकर्ता को यह बताने के लिए किया जाता है। इस तरीके से हमने डेफिनेशन दिया। चेकबॉक्स में हमने एक इस तरीके से एक हेडिंग लिखा, हेडिंग टू में चेक बॉक्सेस। हेडिंग टू के अंदर आप यहाँ पे आके इसका प्रीव्यू इस तरीके से देख सकते हैं। आप चाहें इसको हेडिंग वन में आप देना चाहें तो हेडिंग वन में हमने दिया इस तरीके से। सेव करेंगे, पेज पे आके रिफ्रेश कर देंगे, इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे पी टैग यानी पैराग्राफ टैग को ओपन किया और उसमें हमने एक लाइन लिखी इस तरीके से। द यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख रखा, यानी टेक्स्ट को अगर आप बोल्ड दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। अगर आप इसको नहीं भी लगाते हैं तो आपके इस टेक्स्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द इनपुट टाइप चेकबॉक्स डिफाइंस अ चेकबॉक्स, और पी टैग को क्लोज किया। इतना जब आप लिखते हैं यहाँ पे उसका प्रीव्यू आपको ये शो कर रहा है इस तरीके से। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, द इनपुट टाइप चेकबॉक्स डिफाइंस अ चेकबॉक्स, वो इस तरीके से शो कर रहा है। फिर हमने यहाँ पे फॉर्म में एक्शन को ओपन किया। यहाँ पे फॉर्म एक्शन और इज इक्वल्स टू डबल कोट में ये हमने स्लैश एक्शन डॉट ASP और डबल कोट्स में और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज किया। यानी ये जो टिक हो रहा है आपका ये एक्टिव हो रहा है, यानी एक्टिव हो गया है, अब आप इस पे टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आप हेडिंग रखेंगे वो आप किस तरीके के ले रहे हैं। हमने एंगुलर ब्रैकेट ओपन इनपुट टाइप
इक्वल का साइन लगाया, डबल कोट्स में चेक बॉक्स, डबल कोट में हमने लिखा यहाँ पे नेम वैल्यू यहाँ पे, और इस तरीके से वन वैल्यू जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं कंप्यूटर, या डबल कोट्स में एंगुलर ब्रैकेट क्लोज आई हैव अ कंप्यूटर, ये वैल्यू हमने ली। और हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पे एक नोट, एक हेडिंग दिया और इसमें हमने लिखा आई हैव अ कंप्यूटर, आप देखेंगे वो हेडिंग आपका यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट ऐसे ही हमने लिया इसमें भी वैल्यू टू करके, और बाइक के लिए लिया हमने, और यहाँ पे हमने लिया आई हैव अ बाइक। बी आर टैग को ओपन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास टू ऑप्शन शो कर रहे हैं, अब जो भी ऑप्शन आपका है वो आप इसमें टिक करें। अब अगर आप चाहें एक से ज़्यादा ऑप्शन है आपके तो आप उसमें टिक करके सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इनपुट टाइप सबमिट को क्लोज करना है, सबमिट बटन जो यहाँ पे आ रहा हमारा ये, इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू में डबल कोट्स में आपको लिखना होगा सबमिट, फॉर्म टैग को क्लोज कर देना है इस तरीके से, बॉडी टैग और HTML को भी हम क्लोज कर देंगे। आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं इस तरीके से। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी हेडिंग्स ऐड करनी है तो हमने यहाँ पे और भी हेडिंग ले लिए, हम चाहते हैं चेक बॉक्स में हमारी दो तीन हेडिंग और रहे। हमने यहाँ पे लिया बुक, आई हैव अ बुक, या फिर आप और कोई हेडिंग लेना चाहें, आप यहां पे चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे लेना चाहें आप उस पर दो टिक कर सकते हैं, जैसे आपकी हॉबीज़ होती हैं, हॉबीज़ में आप मल्टीपल ऑप्शन टिक कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्सन की हॉबीज़ जो होती हैं वो मल्टीपल हो सकती हैं इस तरीके से। तो आप इसमें चेकबॉक्स में क्या होता है, आप कई सारे ऑप्शन में एक साथ मल्टीपल सिलेक्शन या मल्टीपल टिक्स को शो कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन में ऐसा नहीं होता है, उसमें आप केवल एक सिंगल ऑप्शन को ही चुन सकते हैं। तो इस तरीके से हम चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं और उसमें मल्टीपल ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस बॉक्स का यूज़ किस लिए करेंगे। तो चेक बॉक्स का यूज़ हम मल्टीपल वैल्यूज़ को सेलेक्ट या डिसलेक्ट करने के लिए करते हैं, और ये हमें इसकी अनुमति भी देता है। सो आई होप आपको चेकबॉक्स और रेडियो बटन्स समझ में आ गए होंगे। आगे के ऑप्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।